जय राम दोस्तों, चाम्स किचन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ तीन प्रकार की हेल्दी स्मूदी की रेसिपी शेयर की थी। आज भी आपके लिए मैं एक ऐसी ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मखाना दाल फ्राई। हम सब जानते हैं कि दालें जो होती वो प्रोटीन से भरपूर होती है और मखाना में भी बहुत सारा प्रोटीन और कैल्शियम दोनों होता है। तो चलिए जल्दी देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, फिर बनाते हैं मखाना दाल फ्राई। मखाना दाल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप तुअर दाल और 1/3 कप येलो मूंग दाल ली है जिसको मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है। फिर यहाँ पे है 1 कप मखाना, 1 स्मॉल ऑनियन चॉप करके ले लिया है, 1 स्मॉल टोमेटो चॉप करके ले लिया है, थोड़े से ड्राई मसाले यूज करेंगे हम, और यहाँ पे है करी लीव्स, बे लीफ, होल रेड चिली, सिनेमन स्टिक, थोड़े से ब्लैक पेपर और लौंग। ये है लेमन जूस, सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जितना चिली, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, किचन किंग मसाला हम यूज करेंगे, और ये 1 टीस्पून जितना जीरा मैंने लिया है, कसूरी मेथी मैंने ली है, और ये है कोरिएंडर लीव्स जो हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल और 1 टीस्पून जितना घी मैंने लिया है और उसे गर्म करने के लिए रखा है। घी से हमारा जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत अच्छा आता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। उसके बाद हम ये करी लीव्स, बे लीफ, होल रेड चिली, सिनेमन, लौंग सब डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर चॉप ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अब हम इसके अंदर टोमेटो डाल देंगे। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। इसके साथ ही हम किचन किंग मसाला भी डालेंगे, 1 टीस्पून जितना। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाना भी डाल देंगे। मखाना डाल के हम 1 मिनट तक इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर बॉईल की हुई दाल डाल देते हैं। हमारी दाल बॉईल हो रही है, अब हम इसके अंदर लेमन जूस डाल देते हैं और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम और बॉईल कर लेते हैं और फिर इसको सर्विंग बाउल में निकाल देंगे।
आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर भी आया है और कितनी अच्छी सुंदर दाल हमारी दिख रही है। अब हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। अब हम इसको 1 मिनट तक थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख देंगे। गर्मा गर्म हमारी मक्खना दाल फ्राई बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स डाल के इसको गार्निश कर लेते हैं। मक्खना दाल फ्राई खाने में बहुत टेस्टी तो है ही, साथ साथ में ये बहुत हेल्दी भी है। आप भी अपने घर में मक्खना दाल फ्राई बनाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे फिर जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।